इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम तनाजे के मद्देनजर बेलगाम से महाराष्ट्र जाने वाली बसेस बंद होने की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में भी कन्नड़ तख्तियों को काली पोतने की वारदातें अब भी अमल में आ रही है। इस तनाजे के मद्देनजर मुसाफिरों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कन्नड़ मराठी तंजीमों की जानिब से पुलिस महकमा और डीसी को मुतालबे देने का दौर भी जारी है। एमएस की जानिब से पुलिस कमिश्नर को मुतालबा पेश करते हुए कन्नड़ तंजीमों की जानिब से मराठियों पर ज्यादती की जा रही है, लिहाजा इन पर कार्रवाई करने को कहा। एमएस नौजवान कायद शुभम शेड़के ने तहफुजी दस्ता फराम करने की भी मांग की है। कन्नड़ तंजीमों के कारकुनान ने शिवसेना और एमएस के दफ्तरों पर हमले किए। इसके बाद मराठियों की जानिब से सोशल मीडिया पर तश्वीशनाक मैसेज जिसको अपलोड किया गया, जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए तीन अपराधों की गिरफ्तारी अमल में आई, फिर उन्हें रिहा भी किया गया। एक और कार्रवाई में संभाजी गली बेलगाम और मराठा गली बेलगाम अकाउंट पर कार्रवाई की गई। बेलगाम पुलिस कमिश्नर की जानिब से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के तौहीन आमोज मैसेज जिसको अपलोड ना करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर हुई कार्रवाई से किसी भी धर्म जात पात पर मनमानी मैसेजेस करने वालों पर नकेल कसी जा सकती है, ऐसा आवामी भी कहा जा रहा है। सेवा फाउंडेशन की जानिब से एक गरीब बुजुर्ग जो फातिमा चर्च कैंप के एक दरख्त के नीचे पड़ा हुआ था, उम्र सीधा गंदगी में लिपटा हुआ, उसे इस सेवा फाउंडेशन की जानिब से गरीब बुजुर्ग जो फातिमा चर्च कैंप के एक दरख्त के नीचे पड़ा हुआ था, उम्र सीधा गंदगी से लथपथ पड़ा हुआ था, इस शख्स को किसी धर्म जात पात का लिहाज ना करते हुए सेवा फाउंडेशन की जानिब से एक नई जिंदगी देने की कोशिश की गई। दरख्त के नीचे बेहाल पड़े इस शख्स को कश्मीरा मैडम ने देखा और सेवा फाउंडेशन को इत्तला दी। फौरन सेवा फाउंडेशन के कारकुनान ने उसे वहां से उठाकर नहलाया धुलाया और अच्छे कपड़े पहना कर खाने पीने का भी इंतजाम किया। एक अनाथ शख्स की इस तरह खिदमत अंजाम देने पर सेवा फाउंडेशन के कारकुनान मेमरान को सराहा जा रहा है। सेवा फाउंडेशन ने इससे पहले भी कई खिदमत अंजाम दिए। नॉर्थ कर्नाटक हज कमेटी के एक वफद ने रियासती वजीर जगदीश शेट्टर से मुलाकात कर हज भवन के कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा पेश करते हुए इनकी गुलपोशी फरमाई और नॉर्थ कर्नाटक हज भवन तामीर करने के लिए पहल करने पर जगदीश शेट्टर का शुक्रिया अदा किया। नॉर्थ कर्नाटक हज एक्शन कमेटी के सदर जनाब हमीद को पद, नायब सदर जनाब अब्दुल वाहिद अत्तार हाज मुख्तार नालबन ने इत्तेहाद न्यूज़ को बताया कि बेलगाम से हुबली पहुंचकर रियासती वजीर जगदीश शेट्टर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि हज भवन को हुबली में तामीर करने की कोशिश में जगदीश शेट्टर साहब का भी अहम रोल है। हुबली में हज भवन होने से तमाम नॉर्थ कर्नाटक के हाजियों को सहूलत फराहम होगी, ताकि हाजियों को बेंगलोर या गोवा जाने के लिए तवील मुसाफत का वक्त बच सकता है। अक्सर हाजी बुजुर्ग होते हैं और इन्हीं के मद्देनजर हज भवन को हुबली में तामीर करने की कोशिश जारी है, जो जल्द तकमील तक पहुंचेगा, ऐसा नॉर्थ कर्नाटक हज भवन के जिम्मेदारान ने कहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।